बैट्स कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा कहती है कि तो तुम इस स्मार के साथ यहाँ पर क्या कर रहे थे बैट्स भी कहता है कि तुम भी कारो के साथ क्या कर रही थी मतलब गलती दोनों की है बट बेचारे दोनों अब जवाब भी क्या दे? कहता है कि मैं बता तो सकता हूँ बट मैं भी नहीं बता सकता कहती है कि एग्जैक्टली exactly बोलना क्या चाहते हो यहाँ पर बैट्स कहता है कि आई एम सॉरी बट मैं तुम्हें बता दूंगा बट बत तुम्हें थोड़ा वेट करना चाहिए तभी लेस कहती है कि अब सब कुछ ओवर हो चुका है हम दोनों कभी भी वापस एक साथ नहीं आ सकते और दरअसल फर्स्ट एपिसोड से ही चल रहा है कि दोनों कभी एक साथ नहीं आ सकते लेकिन आज फाइनली ऑफिशियली इनमें ब्रेकअप अनाउंस हो जाता है सो कॉन्ग्रेचुलेन एवरी वन बैड्स का फाइनली ब्रेकअप हो चुका है दरअसल कुछ भी कर लो लेकिन मुझे लिज के लिए वो आती ही नहीं है पता नहीं क्यों बट शी इज़ क्यूट बट बट नॉट दैट मच ले और कारो एक साथ एक रूम में होते हैं तभी लिस्ट कहती है कि आई एम सॉरी मैंने तुम्हारा पूरा बर्थडे प्लान रिवन करवा दिया तभी पैट्स कहता है कि वो तुमसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है केक ऑर्डर करने लगती है तभी फिर उसे रोकता है इसके बाद लिस्ट का रोना तो स्टार्ट हो जाता है कारो से कंफर्ट करता है और अभी लिस्ट कहती है प्लीज मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे सब कुछ भूलने में हेल्प करो कारो कहता है कि मैं तो तैयार हूँ कितने दिनों से बट तुम्हें मुझे फोर्स कर रही थी कि मैं तुम्हारे पास ना हूँ इसके बाद वो लिस्ट को किस करता है दोनों में जो दूरियाँ हैं वो बिल्कुल दूर हो चुकी थी यही पर हम बैठस और स्माइल को देखेंगे तो बेचारे दोनों का ही दिल टूट गया था इस्माइल को पता चल गया था कि कैरो अभी लिस के साथ है और बैठस को भी पता चल गया था कि लिस अभी कैरो के साथ है मतलब दोनों में कुछ खिचड़ी तो पकी रही होगी यहाँ पर ये दोनों काफी ड्रिंक कर लेते हैं बैठस तो बेचारा काफी हट रुकन था साथ में इस्माइल को भी दुख हो रहा था ये दोनों अपनी दुख भरी बातें शेयर करते हैं और कुछ ही टाइम में ये कहते हैं कि चलो छोड़ो यार वो पास्ट ही रहने देते हैं अब हम अपनी जिंदगी अच्छे से झेजिये स्माइल कहती है कि हाँ अब मैं भी हर लड़के के साथ फ्लर्ट करूंगी तभी बैठस कहता है कि हाँ मैं भी हर एक लड़की के साथ जो भी पर लाइन मारेगी मतलब इन दोनों का मूड अब ठीक हो चुका था बिकॉज ये दोनों ड्रंक थे इसके बाद इन दोनों की सुबह आंख खुलती है यहाँ पर ये दोनों कुछ सही हालत में नहीं थे तभी इसमाइल को लगता है शायद उन्होंने रात में में कुछ हुआ है इसके बाद ये दोनों जाग जाते हैं दरअसल इस्माइल और बैठ से दोनों को ही कोई कुछ कुछ बातें आती हैं इस्मा बैठ से कहती है कि तुम्हें इन सब की रिस्पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी तभी बैठ कहता है कि क्या सच में कुछ हुआ था इस्माइल कहती है कि हाँ बिल्कुल इसमाइल अगली पल कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी दरअसल मुझे कुछ भी याद नहीं है तो बैठ कहता है कि लेकिन मैं बिल्कुल सीरियस हूँ सब कुछ याद आ गया हमारे बीच में कल रात कुछ हुआ था तभी इस्माइल कहती है क्या बात उसका रोना स्टार्ट हो जाता है बैठ कहता है कि मैं बस मजाक कर रहा था दरअसल रात में कुछ हुआ ही नहीं है हम दोनों ड्रंक थे इसके बाद हम दोनों ने प्लो फाइट करी और तुम बेड से नीचे गिर गई मैंने तुम्हें ऊपर लाया और उसके बाद हम दोनों आराम से टल्ली होकर सो गए तभी हम लिस्ट को दिखते हैं जो कि कायरों के डैड से मिलने के लिए जाती है यहाँ पर उसने कायरों के मोबाइल पर उसकी आंट का मैसेज देख लिया था जो कि उसे बता रही थी कि दरअसल उसकी डैड की हालत काफी खराब है तो तुम उन्हें विजिट करने के लिए आ सकते हो बट कायरो अपने डैड को एकदम भूल चुका है वो नहीं चाहता कि उनकी शक्ल वो दोबारा दिखे उसके डैड की हालत दिखती है तो उसे सच में काफी ज्यादा बुरा लगता है उसके डैड लिस्ट से कहते हैं कि आई होप कार्यो अपनी जिंदगी जीरा होगा दरअसल मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया इसलिए वो मुझे लास्ट टाइम पर भी देखने नहीं आएगा बैट्स स्माइल को अपनी प्रैक्टिस वाली जगह पर लेकर आता है यहाँ पर जब स्माइल वॉशरूम में होती है तो कुछ लड़कियाँ बात कर रही थी कि उस लड़की को देखा जो कि से एकदम चिपकी रहती है दरअसल वो तो सुंदर भी नहीं है और तुम देखना मैं बैड्स को बटा ही रहूँगी जब हमारा प्ले ओवर हो जाएगा तो मैं उसे प्रपोज़ कर दूँगी यहाँ पर वो स्माइल को भी देख लेती हैं और कहती हैं कि ठीक है अगर तुमने सब कुछ सुन ही लिया है तो एकदम सच है अगर तुम मुझे बाहर आकर स्लेब भी करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो बट स्माइल कहाँ ऐसा करती है बेचारी वो तो बहुत सीधी है

लेट्स कारो से मिलती है और उसे बताती है कि हमारी डैड से मिलने गई थी तभी कारों उस पर गुस्सा होता है कि तुम्हें यहाँ पे जाने की जरूरत क्या थी इसके बाद लिस्ट कारो का घर विजिट करने के लिए जाती है यहाँ पर आंट उसे सारी स्टोरी एक्सप्लेन करती है कि आखिर एक्जैक्टली हुआ क्या था उसकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई थी तो यहाँ पर उसके बाद उन्होंने एक लड़की को डेट करना स्टार्ट कर दिया कारो के डैड ने वो लड़की उनके सारे पैसे लेकर वहाँ से भाग गई और कारो के एटीन बर्थडे पर उसके डैनों से काफी ज़्यादा मारा जबकि काररो तो उनका वेट कर रहा था बिकॉज वो उनके साथ ट्रेन से खेलना चाहता था उसके डैड हमेशा हर बर्थडे पर उसे ट्रेन गिफ्ट करते थे लेकिन इसके बाद कारों को जब मार पड़ी तो उसने घर छोड़ दिया इसके बाद वो घर वापस कभी आया ही नहीं ले कारो को उसका घर विजिट करने के लिए जाती है और यहाँ पर वो उससे कहती है कि जो पास्ट है वो तो हम नहीं बदल सकते बट आज का दिन हमें बचा कर रखना चाहिए तो ये अपनी माम की स्टोरी बताती है दरअसल उसकी माम हॉस्पिटल में थी उसे लग रहा था सब कुछ ठीक हो जाएगा पर एक दिन उसे न्यूज़ मिली कि उसकी माम नहीं रही इसके बाद वो कुछ कर भी नहीं सकती थी इसीलिए जब तक वो इंसान हमारे पास है तो हमें उसका ख्याल रखना चाहिए जब कारो अपने घर पर उसी ट्रेन को दिखता है यहाँ पर उसके डैड ने सबको सेटअप लगाकर रखा हुआ था ताकि वो कारो के साथ एक बार इस मोमेंट को देख सकें कभी हॉस्पिटल से मैसेज आता है कि उसके डैड गायब हो चुके हैं तभी कारो हॉस्पिटल उन्हें देखने के लिए जाता है पर डैड बेड पर नहीं थे तभी आंट कहती है कि शायद उन्होंने तुम्हारा वेट करते करते उम्मीद छोड़ दी इतने में ही डैड अंदर एंटर करते हैं दरअसल वो बाहर सिर्फ कुछ खाने के लिए गए थे तभी कायरों ने गले लगा लेता है उनके डैड और कायरों में अब जो दूरियाँ हैं वो एकदम कम हो जाती हैं तभी उसके डैड उससे कहते हैं कि चलो तुम दोनों तो काफ़ी क्यूट कपल का लग रहे हो मुझे जल्दी ये अपने ग्रैंडसन की शक्ल भी देखनी है लड़कियों की बात काफ़ी ज्यादा चुप गई थी इसके बाद वो कायरों का प्ले देखने के लिए आती है यहाँ पर रोमियो जूलियट वाला प्ले हो रहा था इसके बाद कायो लास्ट सीन में उस लड़की को किस करता है आज स्माइल को बैट्स को किसी और को किस करते हुए देखकर अच्छा नहीं लग रहा था इसके बाद जब लास्ट टाइम स्माइल बैट्स को फ्लावर देने के लिए आती है तो यहाँ पर वो बैट्स को फ्लावर देकर जाने लगती है बैट्स कहता है क्या तुम ठीक तो तुम्हारी आँखें इतनी रेड क्यों लग रही हैं तभी स्माइल उससे जल्दी जल्दी मैं कह देती कि मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगता कि तुम किसी और लड़की को किस करो हाँ मैं जेलसू हूँ मैं ये कहना भी नहीं चाहती मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूँ ये भी तुम मुझसे कह सकते हो तभी तो बैट जो से किस करता है और कहता है कि किसने कहा तो मेरे लिए परफेक्ट नहीं हो यहाँ पर सारी मीडिया बस उन्हें ही देखी जा रही थी और जो मेन फीमेल लीड कभी इस्माइल को बदसूरत बोल रही थी आज उस पर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा था यहाँ पर उसके डायरेक्टर भी इतना इमोशनल सीन देख कर रोने से लगते हैं इसके बाद इनकी लव स्टोरी काफ़ी जल्दी चर्चे में आ जाती है और सभी इनकी वीडियोज़ बना रहे थे कि देखो यार सामने जीते जाते रोमियो एंड जूलियट हमें में दिख रहे हैं। तो हमें प्ले की जरूरत क्या है? उसके घर छोड़ने के लिए जाता है जब लेस अपने घर में इंटर कर जाती है तो कायरो उसके घर के बाहर वेट करता है जब लेस दोबारा बाहर आती है तो कायरो उसे किस करता है तभी तो कायरो कहता है क्या तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी तभी तो का कोई जवाब नहीं रहता कायरो उसे बस किस करता है बैट्स स्माइल को से घर पर छोड़कर जाता है यहाँ पर स्माइल काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी क्योंकि उसे अपनी फ्रेंड ऑनिनी की भी यही बात सता रही थी जब उसे पता चलेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा इसके बाद वो घर जाकर ओनी से मिलती है यहाँ पर ओनी उसका बर्थडे गिफ्ट वांस में ही दे देती है इसके बाद स्माइल को और भी ज़्यादा बुरा लगता है कि ओनी को अगर पता चलेगा तो बेचारी क्या सोचेगी मेरे बारे में मैं एक अच्छी फ्रेंड भी नहीं बन सकती स्माइल सुबह उठती है तो उसे भी तेज फीवर था ऑनि उसे थोड़ा रेस्ट करने के लिए बोलती है पर स्माइल को तो आज बैठस के म्यूजिक इवेंट में जाना था यहाँ पर वो जल्दी से तैयार होकर बैठस के म्यूजिक इवेंट में भी जाती है Thank <laughs> you. स्माइल नहीं आती बैठ अपना कॉन्सर्ट स्टार्ट भी नहीं करता लेकिन जब स्माइल आ जाती है तो उसे देखकर उसका गाना गाना स्टार्ट हो जाता है या पर सभी लोग उसे इंजॉय कर रहे थे बेहोश हो जाती है इसके बाद बैट्स उसे लेकर अपने घर पर जाता है काफी ख्याल रखता है और जब स्माइल को होश आता है तो उसे पता चलता है दरअसल बैट्स अपना कॉन्सर्ट बीच में ही छोड़कर उसे लेकर यहाँ पर आ गया तो तुम्हारा आंसर क्या है क्या तुम मुझे लाइक करती हो वो स्माइल अभी कोई भी जवाब नहीं देती है इसके बाद बैट्स उसके काफी करीब आकर उसे किस करता है स्माइल ही उसे किस करती है दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं और इसकी बात करें तो उसे मानी मिलती है जो की बैट्स की छोटी बहन है यहाँ पे बोनी से बताती है क्या तुम ठीक हो तो तभी कहती है की हाँ बिल्कुल तभी कहती है की तुम आजकल बैट्स के साथ दिखती नहीं हो तभी लिस्ट बताती है की दरअसल हम दोनों का ब्रेकअप हो गया तभी वो कहती है की क्या यहाँ पर वो कायरों को भी देख लेती है और कहती है की हाँ तो बॉयफ्रेंड में सबसे ज्यादा फेमस लड़का है और बैट्स भी उसी में काम करता है लिस्ट को अब पता चलता है की बैट्स दरअसल बॉयफ्रेंड के लिए काम करता है और इसीलिए वो इस्माइल के साथ था उसे दरअसल अपनी बहन का रेंट भी चुकाना है लेस उसे सीधा सीधा पूछती है क्या तुम्हें पता था ना करता है तभी लेम छूटे हो तो कह देता है की हाँ उसे सब कुछ पता था लेकिन वो नहीं बताना चाहता था यहाँ पर लेस उस पर गुस्सा होती है और वहां से चली जाती है इसके बाद बॉन ने भी अपने घर पर आती है यहाँ पर वो एड्स और इसमायल को एक साथ देखती है उसे लगता है शायद इसमाइल उसकी सिर्फ एक क्लाइंट है पर उसे क्या पता उसका भाई उसे सच में पसंद करने लगा है या पर उसे बताती है कि लिस्ट को सब कुछ पता चल गया है इतने में ही लेस बैट से मिलने के लिए आती है अब से कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कहता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ मुझे ऐसा लगने लगा है लिस कहती है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था बैट्स कहता है कि तुमने मुझे काफ़ी मौके दिए पर मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाया इसके बाद हमें ऐसा लगता है कि अब इन दोनों में पैचअप होने की कोई कोई ज़रूरत है भी नहीं और इसके बाद लेस भी उसे भाई बोलकर वहाँ से चली जाती है यहाँ पर स्माइल से उसकी छोटी बहन कहती है कि बैट्स और लेज एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं मुझे पता है तुम बैट्स को पसंद करती हो बट ये सब नहीं हो सकता स्माइल भी मान लेती है क्योंकि उसकी छोटी बहन जो कह रही थी इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है बोहन ने इसके बाद बैट्स को बताती है दरअसल इसमाइल मुझे एक मैसेज देकर गई है कि उसका आंसर है नो मतलब वो मैं लाइक नहीं करती यहीं पर जो लेज है वो उसके पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें सब कुछ पता था बैट्स के बारे में या नहीं मैं बस एक बार और पूछने वाली हूँ यहाँ पर कारो कहता है कि दरअसल मुझे सब कुछ पता था मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता था बिकॉज तुम काफ़ी लड़कियों से अलग हो और मुझे ये सब एक गेम की तरह लग रहा था मुझे लग रहा था कि मुझे बस तुम्हें जीतना है इसके बाद मैं गेम एकदम माहिर हो ही जाऊँगा इसलिए मैंने तुम्हारे दिल के साथ खेला एंड दैट्स ऑल मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम मेरी बस एक क्लाइंट हो इसके बाद लेज उसे एक दो नहीं बल्कि तीन थप्पड़ मारती है और कहती है कि ठीक है अब तुम्हारी क्लाइंट ने तुम्हें तीन थप्पड़ भी मार दिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट आज से यहीं ख़त्म होता है इसके बाद लेज से चली जाती है और कारो के मुंह से थोड़ा सा खून निकलता है अगर ओनी से मिलती है और उसे सॉरी बोलती है कि दरअसल वो बैट्स को पसंद करने लगी ओनी कहती है कि मुझे सब कुछ पहले ही पता था कि तुम उसके लिए फील करने लगी हो इसका वेट कर रही थी शायद तुम तो मुझे खुद बताओगी अरे यार इतनी अच्छी बेस्ट फ्रेंड किसे मिलती है बट ओनी जितनी अच्छी बेस्ट फ्रेंड शायद ही कहीं मिलेगी बैठ स्माइल से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है यहाँ पर ऑनिनी से बताती है कि स्माइल यहाँ से शिफ्ट हो चुकी है तो तुम्हें आने की जरूरत नहीं है तो पहले भी उसका दिल तोड़ चुके हो तुम अब फिर से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में आ गए हो अब तुम्हें मेरी फ्रेंड के साथ करना क्या है तभी बैठ कहता है कि ऐसा नहीं है ऑननी कहती है कि ऐसा ही है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो

जैरो कहता है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए तभी जैरन कहता है कि हाँ होना चाहिए बिकॉज बिकॉज तुम भी बॉयफ्रेंड रेंट में काम करते हो तुम्हें एक क्लाइंट को क्लाइंट की तरह ट्रीट करना चाहिए ना कि उसके लिए फीलिंग्स रखनी चाहिए लेज और बैट्स को देखते हैं जो कि उसी कैफे में जाते हैं जहाँ पर वो दोनों कभी मिला करते थे उनकी पहली डेट वहीं से स्टार्ट हुई थी बैट्स और लेज एक कपल को देख रहे थे यहाँ पर लेस और बैठ दोनों ही अपनी नज़रें चुरा लेते हैं पर कुछ ही बल बात है कि क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ लेस कहती है कि हाँ बिल्कुल और यहीं पर ख़त्म हो जाता है आई डोंट नो कि आगे क्या होने वाला है दरअसल बस दो एपिसोड बचे हैं पर उनमें क्या खिचड़ी पकेगी कौन किसका बॉयफ्रेंड बनेगा ये सब अभी तक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सो so, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ तब तक के लिए थैंक यू गाय फॉर वॉचिंग